हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम लोग आ गए हैं लोकमान्य तिलक नगर टर्मिनस पे। फ्रेंड्स, हम लोग लोकमान्य तिलक नगर टर्मिनस से जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि यूपी में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ये टर्मिनस पे आ चुके हैं और यहाँ से मैं चलता हूँ लोकमान्य तिलक नगर टर्मिनस के अंदर। फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 3 और हम लोग की ट्रेन थी रात को 11 बजे की, और रात को अभी बज गया है 3, अभी तक ट्रेन आई नहीं है। ये दूसरी ट्रेन लगी है, हम लोग की ट्रेन ये प्लेटफॉर्म पे आके लगने वाली है, बट अभी तक आई नहीं है। फ्रेंड्स, अभी देखो कब तक आती है। फ्रेंड्स, अभी मतलब ट्रेन में तो बैठा हूँ मैं और सुबह भी हो गई है ट्रेन में। रात को इतना लेट ट्रेन आई, इतना लेट आई कि पूछने वाली बात नहीं। क्या खेल रहे थे तुम लोग? सब्सक्राइब करना मत भूलना। कर दी ना छुट्टी। आज के अंदर मारी नहीं बनेंगे, कोई बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, कोई कोई। ओके, ये भी दिखाओ। ट्रेन से उतर के स्टेशन पे आ चुके हैं और स्टेशन पे आने के बाद अभी हम लोग जाते हैं रिक्शा वाले को पकड़ते हैं, किसी रिक्शा वाले को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं रिक्शा वाले के पास। रिक्शे के पास आ गए, बाहर आए तो रिक्शा मिल गया। रिक्शे का प्राइस 400 है और रिक्शा पकड़ने के बाद हम लोग को रिक्शा वाले ने बोला कि होटल के पास लेके जाएगा और 2-3 होटल बताए। दिखाता हूँ यहाँ पे रूम जो है कैसा कैसा है। ये देखो बेड है और बेड, ये रूम के बाहर बालकनी वगैरह भी है एकदम अच्छा। और ये बनारस की जो गलियाँ है ये सब देखो आप लोग यहाँ से और भी अच्छे दिख रहे हैं। और ये बालकनी से हम लोग दूसरे बालकनी में भी जाके और ये दूसरा रूम बेड वगैरह और ये एसी वगैरह लगा है सब यहाँ पे, और ये टीवी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, मतलब ऑल फैसिलिटी ये रूम में है। और ये रूम ने हम लोग ने चॉइस किया, तो फ्रेंड्स आप लोग भी आओ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे, जाएंगे नदी पे नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मतलब रूम से हम लोग निकल चुके हैं, पूरे सभी लोग निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग शिवालय घाट पे और वहाँ पे नहाएंगे। नहाने धोने के बाद फिर से होटल में आना है, होटल में फिर मतलब खाना पीना खाने के बाद फिर घूमने जाने का है, अलग अलग मंदिर में घूमेंगे। सब दिखाता हूँ मैं फ्रेंड्स। भैया ये एकदम बनारस के गली घूमत इला अभी ये समय, और रघुआ लोगन के भी बनारस के गली दिखावा था नहीं। और यहाँ आके लगा था हम भोजपुरी बोले था नहीं। तो ये हम लोग का शिवालय घाट आ गया है। हेलो भैया, हर हर महादेव। शिवालय घाट लेडीज लोग को चेंज करने के लिए भी बना है, लेडीज लोग चेंज कर सकते हैं। और ये नहाने के लिए मतलब ऐसा बना है कि मतलब जाके इसके अंदर नहा सकते हैं। ये जगह जगह पे अलग अलग घाट का नाम है, गुलेरिया घाट है, शिवालय घाट है, महानिर्माण घाट है, निर्माणी घाट है, ऐसे ऐसे जगह जगह पे अलग अलग घाट का नाम दिया गया है। और ये पूरा व्यू बनारस का, गंगा नदी। और ये कुछ महारथी लोग, कैसा लग रहा है आपको?
बहुत बढ़िया लग रहा है लेकिन धूप बहुत तेज है। गर्मी के महीने में आग तो ये तो झेलना ही पड़ेगा धूप। ये सब लोग तो शुरू हो गए। आशा सुना चेंजिंग करने के लिए है, लेडीज वगैरह चेंज कर सकती हैं। और ये उस साइड का व्यू है, उन्नाव से उस साइड अगर जाते हैं तो पर पर्सन 100 रुपया लगता है। उस साइड भी जाके नहाते हैं बहुत लोग, दिखा सकता हूँ। देखो उधर नहाने के लिए बना है, उधर भी नहाते हैं सब लोग। क्या हो गया? नहाओ नहाओ, धूप लग रहा है ना, जल्दी जल्दी नहाओ। हाँ निकाल लो। ए इधर से नहीं, उधर से आ, चढ़ क्या। घाट के किनारे वगैरह देख सकते हैं, एकदम साफ सुथरा, कुछ गंदगी वगैरह नहीं है, सब एकदम साफ सुथरा, एकदम पानी भी एकदम क्लियर है, नहाने लायक एकदम अच्छा है। इस साइड भी क्लियर है एकदम, ज़्यादा गहरा नहीं है, पूरा पानी हिल गया है तो चलो। बस चलो। बस ना तो चालू है अभी, उसके साथ साथ ये दिया जलाने का एक रहता है रिवाज, और रिवाज को हम लोग पूरा किए। पुनः कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आना चाहिए, सबको आना चाहिए रियल, यहाँ पे आके ये नहाना धोना और दर्शन करना सबको करना चाहिए, तो आप लोग भी आओ। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ से नहा धो के हम लोग का तो हो गया है, अब हम लोग चल रहे हैं होटल पे खाना वाना खाएंगे, और खाना वाना खाने के बाद फिर ये जो पीछे आप लोग को बड़ी बड़ी मंदिर जो दिख रही हैं यहाँ से वहाँ तक, कहाँ तक है पता नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल होगा उतना हम लोग घूमेंगे, और जो भी मंदिर में अगर कैमरा या मोबाइल लेके जाने का अलाउट होगा तो अंदर का भी दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो बाहर तक का तो दिखाऊंगा ही मैं। ठीक है फ्रेंड्स चलो। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के इधर का पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टाटा फ्रेंड्स, बाय।